So the Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde chaired an all-party meeting today. This even as the protests demanding Maratha quota reservations has only been intensifying. My colleague Ronak joins us for more on this. Ronak, what are the key outcomes of this all-party meet, which seemed to have gone on for several hours? देखिए मुख्य तौर पर जो सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई थी उसमें साफ तौर पर एक फैसला एक मत से लिया गया, वो ये कि मनोज जरांगे पाटिल जो पिछले 29 अगस्त से जिनका आंदोलन महाराष्ट्र के जालना में इस मराठा आंदोलन को लेकर चल रहा है और उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपना जो प्रोटेस्ट है वो खत्म करना चाहिए, अनशन खत्म करना चाहिए, ये फैसला जो है वो इस बैठक में हुआ और सर्वदलीय नेता जो है उनको कल रिक्वेस्ट भी करने वाले। दूसरा जो प्रमुख मांगे थी कि जिस वक्त लाठीचार्ज हुआ उस वक्त कई आंदोलनकर्ताओं पर भी पुलिस के साथ मारपीट के मामले दर्ज किए गए थे, तो मराठा आंदोलनकर्ताओं ने मांग की थी सरकार से कि उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए, तो सरकार ने आज वो भी उनकी बात जो है वो मांग ली और सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मराठाओं को कैसे रिजर्वेशन दिया जा सके इसके लिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जो जरूरी है। लिहाजा सभी लोगों ने सरकार की इस बात पर विश्वास जताया है और आगे सरकार को साथ देने की बात कही है।